सलमान खान की फिल्म दबंग 4 पर आई एकदम लेटेस्ट अपडेट। फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी झाम फर खुलासा हो गया है और ये अपडेट और किसी ने नहीं बल्कि सलमान के भाई और फिल्म प्रोड्यूसर अरबाज खान ने दी है। अब तक दबंग 4 को लेकर सुगबुगाहट थी, लेकिन अब पक्का हो गया है कि ये फिल्म बनेगी और जरूर बनेगी। तो आखिर ये फिल्म कब बन रही है? दबंग फ्रेंचाइजी में अब तक 3 फिल्में बनाई जा चुकी हैं और सभी फिल्मों को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला है। पिछले कुछ वक्त में दबंग 4 की भी चर्चा जोरों पर है, मगर कुछ ठोस बात निकलकर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब अरबाज खान ने फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। अरबाज खान ने फिल्म बीट को दिए एक इंटरव्यू में दबंग 4 पर बात की है। दबंग 4 अपडेट पूछने पर अरबाज खान ने कहा, वो बोलते हैं ना कि पक रहा है, कमांच के ऊपर पक रहा है, धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं। बात यह है कि चुलबुल पांडे ऐसा करेक्टर है जिसे बहुत पसंद किया गया है। दबंग ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसे बहुत प्यार दिया गया है, इसीलिए हमें सिर्फ नंबर डालकर नहीं बनाना है कि दबंग पर 4 डाल दो, दबंग पर 5 डाल दो और कुछ भी बना कर के पेश कर दो। अरबाज खान ने कहा कि हम इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि इस ब्रांड की लेगेसी क्या है। हम चाहते हैं कि ऑडियंस को वो मिले जो वो सच में उम्मीद करके बैठे हैं, तो उसके लिए काफी सोच विचार की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा, आप गलत हो सकते हैं पर आपकी मेहनत 100% होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप कह सकें कि हमने कुछ नया और कुछ फ्रेश करने के लिए बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। तो जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक हम दोनों भाई नहीं बनाएंगे। उसको 2 साल लग जाए या 10 साल लग जाए। कल मिलाकर के अरबाज ने साफ तो कर दिया है कि फिल्म तो जरूर बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसमें अभी कोई जल्दबाजी भी नहीं है। जब कहानी सीटी मार वाली फाइनल हो जाएगी, सल्लू मियां की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तब फिल्म पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। खैर, आप बताइए, दबंग 4 में एक बार फिर से सलमान को चुलबुल पांडे बनकर गुंडों की धुलाई करते देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।